दोस्तों, जब हम सब मार्केट में अपना एक नया फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो उस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स को देख के उस फ़ोन को ख़रीदते हैं। इनमें से जो कुछ बेसिक से फीचर्स है वो ये होते हैं, हम ये ज़रूर देखते हैं कि फ़ोन में कितना एमएच का बैटरी है, फ़ोन का रैम क्या है, फ़ोन में कितना स्टोरेज है, फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। बहुत सारे जानकारी अगर हमें अच्छे लगते हैं तब हम उन फ़ोन को परचेस करते हैं। गैस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल का जो आईफोन या स्मार्टफोन है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। मैक्सिमम तो आजकल 10,000 के ऊपर ही है। अगर आप एक अच्छे फ़ोन ख़रीदते हो तो आपको जो है 15,000 से ज़्यादा लगते हैं। गैस, फ़ोन तो हम सब ख़रीद लेते हैं, कुछ टाइम हम फ़ोन को यूज़ भी कर लेते हैं, बट फ़ोन जैसे जैसे पुराना होता जाता है, फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम माइलेज देता है, सर्विस बहुत ही ज़्यादा कम दे देते हैं। फ़ोन का जो बैटरी का सर्विस इतना कम हो जाते हैं, मान लीजिए हम फ़ोन को 2 घंटा चार्ज करते हैं तो मुश्किल से 1 घंटा चलते हैं, ठीक ना। फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, बट फ़ोन बहुत ही कंडीशन में रहते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिन्हें कंपनी आपको देती है बट आपको कोई बताता नहीं है। अगर आप इन सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आप वीडियो के नीचे में कमेंट ज़रूर करोगे कि भाई बात तो क्या ट्रिक्स बताई। और हाँ, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पे जिन्हें आप हो सकते हैं पहले ही देख चुके होंगे, जिनमें से जो ज़्यादातर वीडियो वो फेक ही है, वो बताते हैं ये आपको डाउनलोड करो, वो आपको डाउनलोड करो, आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बढ़ जाता है, ठीक ना। और उसी सब को वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में कुछ ऐसा डाउट ज़रूर होंगे कि ये वीडियोज़ भी शायद फेक ही होंगे। तो भाई, फेक है या फिर नहीं ये अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक ना। तो अभी आप फेक ना सोचो, आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएंगे कि वीडियो सही है या फिर गलत है। बट इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ, वीडियो के एंड में आप हमें थैंक्स ज़रूर बोलोगे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड योर वॉचिंग टेक फैमिली। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम सिर्फ 1,000 रखे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी और के भरोसे मत छोड़ो, वीडियो पे 1 लाइक ठोक दो। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैमिली पर नए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, और साथ ही साथ आपको एक घंटी मिलेंगे, घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर चले जाएंगे और आप इन सभी वीडियो को सबसे पहले अपने फ़ोन में देख पाएंगे। गाइस, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक कॉमेंट को टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, मैं पहले से ही कॉपी करके रखा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है बैटरी बैकअप 48 आवर्स, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे की तरफ सेंड कर देना है। अगर आप ये काम कर लेते हो तभी ये वर्क करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल लगेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर के बटन मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना व्हाट्सअप और फेसबुक पर। चलिए अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है अपना फ़ोन का प्ले स्टोर खोलना है। तो गाइस, यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर सर्च करें बैटरी मॉनिटर, ठीक ना। जैसे ही आप बैटरी मॉनिटर ऐप को सर्च करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट में ये ऐप है, इस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें फिर ओपन करें। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ही देखना है, बाद में हम इस ऐप को अनइंस्टॉल करने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर आपको देख सकते हैं चार्जिंग के नीचे में एक गुड का ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपका फ़ोन का बैटरी यहाँ पे गुड लिख के आ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट इसका जो फ़ोन का सेटिंग है वो गलत है, ठीक ना। तो भाई, अभी ये तो पता लग गया है कि ये जो फ़ोन का बैटरी है वो दरअसल ठीक ठाक है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुने, सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने भी इस प्रकार का जो ऐप है ना, बैटरी सर्विस, बैटरी बैकअप, डाटा क्लीन,
ये सब जितने भी ऐप है ना, आप अपने फ़ोन से इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी जो ऐप है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा ऐप है। इस ऐप में आपको बेफालतू के एड्स चलते रहते हैं और आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो खाते रहते हैं। गाइस, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस बटन पे, तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं। मेरे फ़ोन में तो बहुत ही कम एप्लीकेशन है, इसीलिए ये कम दिखाते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको बहुत सारे दिखाएंगे। अब ये जो ऐप है पीछे में जितने हैं, देख सकते हैं कि ये क्रोम ब्राउज़र खुला है, ये खुला है MTK इंजीनियरिंग, ये जितने भी ऐप है ना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, यानी कि रन करते रहते हैं, ठीक ना। इसकी वजह से जो है आपको बैटरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो गैस, इसको आप हमेशा क्लीन रखें, देख सकते कि मेरा क्लीन है। आप यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना रखें, अगर यहाँ पे आप भीड़ रखते हैं तो फ़ोन गर्म भी होता है, हैंग भी होता है, और फ़ोन का जो बैटरी है वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग खोलना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बैटरी का ऑप्शन मिल जाएंगे, बस आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि बैटरी के बारे में है कि कौन सा जो ऐप है, देख सकते हैं यूज़ के बारे में है, कौन सा जो ऐप है वो कितना बैटरी खा रहे हैं। सबसे जो ज़्यादा बैटरी खा रहे हैं वो होता है आपका स्क्रीन का लाइट, ठीक ना। तो इसे आप जितना कम हो सके उतना रखिए, ठीक ना। सेकेंड जो है यूट्यूब है, तो यूट्यूब को आप बैकग्राउंड में मत चलाइए, ठीक ना। आप वहाँ पे डाटा क्लीन करके रखें, आपका जो है बैटरी बहुत ही ज़्यादा बचेगा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आपको नेटवर्क भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाता है, क्रोम ब्राउज़र भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाता है। तो ये सभी के सभी ऐप जो है ना बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाता है। और यहाँ पे एक जो ऑप्शन मिलेंगे डाटा सर्वर का, तो बस आप इसको हमेशा ऑन करके ही रखें, ठीक ना। इसको आप हमेशा ऑन करके रखें, वरना आपको जो है बैटरी बहुत ही ज़्यादा दिखाएंगे। ये आपको ऊपर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी सर्वर यानी कि डाटा सर्वर्स का, ठीक ना। तो इससे जो है आपको जो है फ़ोन का बैटरी बहुत ही ज़्यादा बचता है, ठीक ना। और हाँ भाई, आप अभी तक अगर मतलब ऐप को इंस्टॉल नहीं कीजिए, अनइंस्टॉल नहीं किए हैं फालतू के ऐप जितने भी हैं, बस अगर आप उस ऐप को भी अनइंस्टॉल कर लेते हैं ना, और यहाँ पे जो है इसे मतलब कि कम करके रखते हैं, तो 100% ये गारंटी है आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा चलेंगे। और हाँ, एक सेटिंग आपको और कर लेना है। कई बंदा होता ये है कि एक कॉल कर लेगा, ठीक ना, उसके बाद फ़ोन को वैसे रख देगा, ठीक ना, तो स्क्रीन जो है हर हमेशा जलता रहता है, ठीक ना। तो स्क्रीन जो है लाइट जितना देर करता है ना, तो बस उतना ही बैटरी खाता रहता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है, और यहाँ पे आप मिनिमम जो है 1 मिनट सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं सेल्फ है, आप 1 मिनट सेट करके रखिए। मैं वीडियो को एडिटिंग करता रहता हूँ, इसीलिए मेरा 30 मिनट है, वरना आपको 1 मिनट कर लेना है। ऐसे में आप जब भूल जाओगे फ़ोन को स्क्रीन बंद करना, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं, और आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा बचते हैं, ठीक ना। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिनसे कि आप बैटरी को बचा सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे आप किसी भी ऐप को भीड़ न लगने ना दे। सेकेंड जो है, यहाँ पर आप कोई भी फालतू का ऐप ना रखें। उसके बाद जो है, यहाँ पर आप इस लाइट को हमेशा कम करके रखें, और यहाँ पर आपको बैटरी सर्वर का जो बटन है उसे हमेशा ऑन करके रखने देना है। लाइट जितना कम हो सके उतने जलाना है, बस यूज़ के लिए जलाना है। ये सब सेटिंग्स अगर आप कर लेते हो ना, तो 100% आप श्योर हो जाइए आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बचेगा, मतलब बचेगा। और कई बंदा ये बोलते हैं ना कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आपका बैटरी बचेंगे। गाइस, वो वीडियो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। और हाँ, अगर आप इस ट्रिक को अपने फ़ोन पर अप्लाई करोगे, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो फ़ोन का बैक बहुत ज़्यादा हद तक बच जाते हैं, ठीक ना। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल पे भी सब्सक्राइब हो जाओ।